हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा परम्यूटेशंस पे लास्ट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। थ्योरम है ऑफ द एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन ऑन एन सिंबल्स n फैक्टोरियल बाई टू आर इवन परम्यूटेशन एंड n फैक्टोरियल अपॉन टू आर ऑड परम्यूटेशन। थ्योरम हमारी ऑफ n फैक्टोरियल परम्यूटेशन में से हमारे क्या हो जाएंगे, n फैक्टोरियल बाय टू इवन परम्यूटेशन हो जाएंगे एंड n फैक्टोरियल बाय टू हमारे ऑड परम्यूटेशन हो जाएंगे। इसका प्रूफ देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम वी शैल मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। हमने लास्ट वीडियो में कुछ परम्यूटेशन से रिलेटेड फैक्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट वन है हमारा, इसका यूज करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू और परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू और परम्यूटेशन हमारा क्या होता है, इवन परम्यूटेशन होता है। सेकेंड फैक्ट का यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परम्यूटेशन एंड एन ऑड परम्यूटेशन इज एन ऑड परम्यूटेशन। किसी भी दो इवन परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा ऑड परम्यूटेशन होगा। नेक्स्ट वन है अ ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज एन ऑड परम्यूटेशन। अ ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज एन ऑड परम्यूटेशन। ट्रांसपोजिशन हमारा हमेशा ऑड परम्यूटेशन होता है। नेक्स्ट वन है अ परम्यूटेशन कैन नॉट बी कैन नॉट बी बोथ ऑड एंड इवन, दैट इज एन इवन परम्यूटेशन कैन नॉट बी इक्वल टू एन ऑड परम्यूटेशन। तो हमारे कुछ फैक्ट हैं इस थ्योरम में, हम इन फैक्ट का यूज करेंगे। नाउ थ्योरम प्रूव करते हैं। लेट पी एन बी द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन एन डिस्टिंक्ट सिंबल्स। पी एन हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट सिंबल्स के लिए परम्यूटेशन है। देन पी एन कंटेन्स एन फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन कंटेन करेगा, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन के परम्यूटेशन होंगे। ऑल्सो पी एन इज अ ग्रुप, also pn is a group with respect to permutation multiplication as composition। तो pn हमारा क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन एज कंपोजिशन।
आउट ऑफ दीज एन फैक्टोरियल, आउट ऑफ दीज एन फैक्टोरियल परम्यूटेशंस लेट द इवन परम्यूटेशन बी इवन ई टू सोन ऑफ टू, ई पी हमारे इवन परम्यूटेशन हो जाएंगे एंड द ऑड परम्यूटेशन बी ओ वन ओ टू सोन ऑफ टू ओ क्यू, सो दैट पी प्लस क्यू इक्वल टू एन फैक्टर हो जाएंगे, जहाँ पे पी हमारे इवन परम्यूटेशन हो जाएंगे और क्यू हमारे ऑड परम्यूटेशन हो जाएंगे, टोटल हमारे कितने होते हैं एन फैक्टोरियल, तो इट मीन्स पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू हमारे पास एन फैक्टोरियल हो जाएगा. लेट टी बिलोंग्स टू पी एन बी आर्बिट्रेरी सच दैट टी इज अ ट्रांसपोजिशन सो दैट T is an odd permutation. क्यू ट्रांसपोजिशन हमारा क्या होता है, odd permutation होता है. Let T be operated on each of EI where I equal to 1 to P and similarly on each OI where I equal to 1 to Q. Since P n dot is a group, P n dot हमारे क्या permutation क्या group है with respect to multiplication composition. Hence T into EI belongs to P n. तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्लोज्ड क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, इट मीन्स टी इंटू ई आई बिलोंग्स टू पी, पी एन को बिलोंग करेगा एंड टी ओ आई भी क्या करेगा, पी एन को बिलोंग करेगा. फॉर आई लाइज बिटवीन वन टू पी के बीच में लाई करेगा एंड जे हमारा वन से क्यू के बीच में बिलोंग करेगा, जहाँ पे एक है क्यू ओ जे है. इट मीन्स टी ई आई भी क्या करेगा, पी एन को बिलोंग करेंगे एंड टी ओ आई भी क्या करेगा, पी एन को बिलोंग करेगा. द परम्यूटेशन टी ई आई फॉर आई इक्वल टू वन टू पी आर ऑल ऑड परम्यूटेशन, सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड परम्यूटेशन हो जाएंगे. ऑड परम्यूटेशंस इट मीन्स टी हमारे क्या ट्रांसपोजिशन है, तो ट्रांसपोजिशन हमारा क्या होता है, ऑड परम्यूटेशन होता है. ई हमारा इवन परम्यूटेशन है, इवन और ऑड का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑड परम्यूटेशन होता है. इट मीन्स टी इंटू ई आई हमारा क्या हो जाएगा, ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा. ऑल्सो दीज परम्यूटेशंस आर ऑल डिस्टिंक्ट, तो सारे परम्यूटेशन हमारे डिस्टिंक्ट होंगे और इनका प्रोडक्ट हमारे क्या रहा है, ऑड परम्यूटेशन आ रहा है. फॉर टी इंटू ई आई इक्वल टू टी इंटू ई जे, दिस इम्प्लाइज ई आई इक्वल टू ई जे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, हेंस टी इंटू ई आई डज नॉट इक्वल टू टी इंटू ई जे इफ ई आई डज नॉट इक्वल टू ई जे. It means all these permutations are distinct. Similarly, the permutations T O J where J equal to 1 to Q are all distinct. जिस तरीके से T ई आई क्या डिस्टिंक्ट थे, इसी तरीके से टी ओ जे भी क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट इवन परम्यूटेशंस. ये हमारे इवन परम्यूटेशन हो जाएंगे. टी हमारा क्या ट्रांसपोजिशन है, ऑड परम्यूटेशन. ओ जे हमारा क्या है, ऑड परम्यूटेशन है. इट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन हो जाएगा. द पी इवन परम्यूटेशन
ई वन ई टू सोन अप टू ई पी आर इक्वल टू क्यू ई वन परम्यूटेशंस टी इंटू ओ वन टी इंटू ओ टू सोन अप टू टी इंटू ओ क्यू। हमने अभी पढ़ा था फोर्थ हमारे फैक्ट था जहाँ पे हमने पढ़ा था परम्यूटेशन कैन नॉट बी बोथ ऑड एंड इवन, दैट इज इनवर परम्यूटेशन कैन नॉट बी इक्वल टू एन ऑड परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन क्या होगा, ऑड परम्यूटेशन के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स पी हमारे क्या है, इवन टू ई पी क्या है, इवन परम्यूटेशन है एंड इक्वल टू क्यू इवन परम्यूटेशन, वो हमारा ऑड है, टी भी ऑड है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। तो ये भी इवन हो रहा है, ये भी टोटल हमने इवन बनाया था। इट मीन्स इवन ई टू सोन अप टू ई पी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इवन परम्यूटेशन जो टी ओ वन टी ओ टू सोन अप टू टी ओ क्यू के इक्वल होंगे। सिमिलरली क्यू ऑड परम्यूटेशंस ओ वन ओ टू सोन अप टू ओ क्यू आर इक्वल टू पी ऑड परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन बना देंगे, ई ई वन को क्या टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई टू को भी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे क्या बन जाएंगी, और परम्यूटेशन बन जाएंगी। ओ वन ओ टू सोन ओ टू की तो ये हमारे और परम्यूटेशन है, ई वन ई टू ई टू ई क्यू हमारे क्या है, ई पी क्या हमारे इवन परम्यूटेशन है, अगर इनको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, और परम्यूटेशन बन जाएंगे, क्योंकि ऑड इंटू ई वन इक्वल टू ऑड। तो ये ओ वन ओ टू सोन ओ टू ओ क्यू इक्वल टू पी ऑड परम्यूटेशन टी ई वन टी ई टू सोन अप टू टी ई पी के इक्वल बन जाएंगे। कंसिक्वेंटली तो हमें वैल्यू मिल गई पी इक्वल टू क्यू, क्योंकि पी हमारे इवन परम्यूटेशन क्यू ऑड परम्यूटेशन के इक्वल आ जा रहे हैं, और पी इवन परम्यूटेशन क्यू इवन परम्यूटेशन के इक्वल आ जा रहे हैं। इट मीन्स पी इक्वल टू क्यू। ऑल्सो वी हैव पी प्लस क्यू इक्वल टू एन फैक्टोरियल है, एन पी इक्वल टू क्यू है, तो हैंस P इक्वल टू Q इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय टू हो जाएगा, जहाँ पे P Q क्या इक्वल है और P प्लस Q इक्वल टू एन फैक्टोरियल। इट मीन्स P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन फैक्टोरियल बाय टू होनी चाहिए। हेंस प्रूव द थ्योरम। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, सो दैट द फोर परम्यूटेशन I A B C D A C into B D A D C V form a cycle group is isomorphic to the multiplicative group formed by four members plus minus one and plus minus i। तो हमें दिखाना जो फोर परम्यूटेशन है ये साइकिल ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप प्लस माइनस वन प्लस माइनस i के आइसोमॉर्फिक हैं, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ सॉल्यूशन देखते हैं। लेट g डैश बी अ सेट कंसिस्टिंग फोर परम्यूटेशन I A B C D A C B D एंड A D C V है। लेट Z इक्वल टू वन माइनस वन I माइनस आई। जी हमारे पास ये है, जी डैश की वैल्यू आई ए बी सी डी ए सी इंटू बी डी एंड ए डी सी बी है। जी डैश डॉट क्या हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, जी डैश डॉट इज अ ग्रुप एंड इट कैन बी फाउंड एज ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी वन, ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी फोर एंड ऑर्डर ऑफ ए सी बी डी इक्वल टू टू
एंड ऑर्डर ऑफ ए डी सी बी इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आई इक्वल टू 4. इट इज क्लियर. ऑर्डर ऑफ जी डैश इक्वल टू 4 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी. ए बी हमारे क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी भी क्या है, उसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. जहाँ पे ए बी सी डी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी डैश को बिलोंग कर रहा है. दिस प्रूव दैट जी डैश इज साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या कर रहा है, किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है. तो ये प्रूफ करता है कि जी डैश क्या है, साइकिल ग्रुप फॉर्म करता है विथ इस जनरेटर ए बी सी डी, उसका जनरेटर हो जाएगा. दिस ग्रुप है फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ करना था फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप. हमने दिखा था ग्रुप का, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है. तो इट मीन्स जी डैश हमारा क्या है, साइकिल ग्रुप फॉर्म कर रहा है विथ जनरेटर ए बी सी डी. हैंस दिस कम्प्लीट द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. फर्स्ट पार्ट में हमको क्या प्रूव करना था, साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. लेट ई एंड ई डैश आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश के हमारे पास आइडेंटिटी होंगी. वेर ई इक्वल टू 1 एंड ई डैश इक्वल टू आई है. डिफाइन अ मैप एफ सच दैट जी टू जी डैश से मैप डिफाइन करना सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू आई है और एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू ए सी बी डी एंड एफ ऑफ आई इक्वल टू ए बी सी डी एंड एफ ऑफ माइनस आई इक्वल टू ए डी सी बी. ये हमें पता है. फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट, इनसे हमें पता चल रहा है एफ के हमारे पास एफ इज 1 1 है, क्योंकि इस प्रत्येक एलिमेंट की क्या मिल रही है हमें, एमेज मिल रही है. एफ इज 1 1 ऑन टू एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एफ ऑर्डर ऑफ एफ इमेज ऑफ ए. एंड थर्ड वन हमें पता चल रहा है एफ ई इक्वल टू ई डैश, एफ इमेज ऑफ ई इक्वल टू ई डैश के इक्वल मिल रही है. दिस फैक्ट डिनोट्स दैट एफ इज आइसोमॉर्फिक. ये सारी फैक्ट्स हमें क्लियर कर रही हैं कि एफ क्या हमारे पास आइसोमॉर्फिक है. एफ इज एन आइसोमॉर्फिक. हेंसे एफ ऑफ 1 इंटू आई इक्वल टू एफ ऑफ आई हो जाएगा. एफ ऑफ आई किसके इक्वल है, एफ ऑफ आई इक्वल टू ए बी सी डी के इक्वल है. ए बी सी डी के इक्वल है तो इसे हम लिख सकते हैं आई इंटू ए बी सी डी इक्वल टू एफ इंटू 1 इंटू एफ ऑफ आई लिख सकते हैं इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू आई इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गई एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ आई. एफ ऑफ 1 की वैल्यू आइडेंटिटी है, एफ ऑफ आई की वैल्यू ए बी सी डी है. तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इट मीन्स एफ ऑफ 1 इंटू आई इक्वल टू एफ 1 इंटू एफ आई. दिस शोइंग दैट एफ प्रिचर कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश. इससे क्या शो हो रहा है, एफ क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशन को इन जी एंड जी डैश. हेंस जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश. तो हमने यहाँ से प्रूव करते हैं जी क्या जी डैश के आइसोमॉर्फिक है. ये कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं 1 2 3 4, इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.